झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की बढ़ाई गई अवधि 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बड़ी अवधि, नई गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं। बीजेपी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। गिरिडीह के गावा प्रखंड में फोटो पर अर्पित किए पुष्प, उनके योगदान को बताया अतुल्य। राजधानी रांची में चलाया गया वी सपोर्ट टीम इंडिया अभियान, मोराबादी मैदान में हस्ताक्षर अभियान शुरू, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हुए शामिल। वही गिरिडीह जिले में एक विवाहित की हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने, मृतका के मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप, घरेलू विवाद को लेकर हुई थी झड़प। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना, स्वागत है आपका बात झारखंड की में। बीजेपी की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने की इसी कड़ी में गिरिडीह के गावा प्रखंड में पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद के योगदानों की चर्चा की और उनके योगदान को अतुल्य बताया। आज भारतीय जनता पार्टी गावा मंडल की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां जनसंघ के संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 69वीं पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में हम कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। इस दौरान हम सभी कार्यकर्ताओं ने उनके तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। रामगढ़ जिले के कटिया बस्ती ग्राम पंचायत में बीजेपी पतरातू मंडल के सभी बूथों में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीजेपी युवा के प्रकोष्ठ के सदस्य और पतरातू मंडल के अध्यक्ष गणेश ठाकुर शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद के योगदानों की चर्चा की और उनके योगदान को हमेशा याद करने वाला कार्य बताया। राज्य सरकार ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की नियमावली में बदलाव करते हुए इस काउंसिल में राजभवन की भूमिका खत्म करने का फैसला लिया है। इस काउंसिल की पूरी जिम्मेदारी अब राज्य सरकार की होगी। काउंसिल से संबंधित फैसलों के लिए 17 सदस्य टीम का गठन किया गया है। इस टीम में सीएम हेमंत सोरेन अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे तो वही कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन उपाध्यक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। वही बीजेपी की ओर से विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को 5वें स्थान पर रखा गया है। इस मामले में बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए राजभवन से जिम्मेदारी को छीने जाने को संवैधानिक पद का अपमान बताया है। साथ ही बाबूलाल मरांडी को 5वें नंबर पर रखे जाने को सरकार की ओछी मानसिकता बताया है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। पार्टी को कोई भी जब बयान देती है तो उसको अपने जिम्मेवार में झांकना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि यही चीजें जब छत्तीसगढ़ में की गई थी तब उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। ये छत्तीसगढ़ में ये पहले हो चुका है कि राज्यपाल के अधिकार से बाहर करके मुख्यमंत्री को अधिकार दिया गया, ताकि जो पीएसी का बहुत संजीदा विषय है और इस पर पिछले 1.5 वर्षों से लगातार चर्चा हो रही थी लेकिन वो गठन नहीं हो पा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के गठन का अधिकार महामहिम राज्यपाल महोदया से छीनकर राज्य सरकार ने खुद रखकर राज्यपाल के संवैधानिक पद का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी सदैव आदिवासी हितों के लिए सजग रही और आगे भी सजग रहेगी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पीएसी का गठन किया, राज्य सरकार ने मनमाने तरीके से राज्यपाल महोदया का अपमान करते हुए, उनके पद का अपमान करते हुए, हम इसकी निंदा करते हैं।
रांची ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से राजधानी रांची में वी सपोर्ट टीम इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मोराबादी मैदान में हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया गया। इस अभियान में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी शामिल हुए। इस अभियान के जरिए टोक्यो में आयोजित ओलंपिक गेम में शामिल हो रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई। हस्ताक्षर कार्यक्रम में कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में खेलने वाली झारखंड की खिलाड़ी चंचला कुमारी भी शामिल हुई। कपड़ा चेंज करना है अभी तो देख। सर पहले तो डर लगा क्योंकि हरियाणा और हरियाणा का दूसरा नाम सुनता है तो थोड़ा थोड़ा डर लगा रहता है। फिर भी हमारे सदस्य था तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ और मैंने किया। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। बढ़ाई गई इस अवधि के इस नए गाइडलाइंस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दुकानों के खुलने का समय शाम 4 बजे तक ही रहेगा। इसके अलावा केवल जरूरी सेवाओं को जारी रखने की अनुमति रहेगी। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ हुई बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने स्वयं मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात की जानकारी साझा की। इसके अलावा उन्होंने राज्यवासियों से बेवजह घरों से बाहर ना निकलने की अपील भी की है। मौजूदा जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि इस बार लॉकडाउन के दिनों को हम लोग पार कर रहे थे। दूसरी लहर से हम गुजर रहे हैं, तीसरी लहर के भी आहट है और अभी भी खतरा टला नहीं है। इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को मौजूदा जो वर्तमान स्थिति है इसको कुछ दिनों के लिए और भी आगे बढ़ाया। आगे पूरी चीजों का आकलन करने के पश्चात क्या राज्य के लिए बेहतर निर्णय होगा उसको दिया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोरोना टीका को लेकर उठाए गए कदम को काफी सराहा है। इन्होंने प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि विश्व युवा दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया है कि भारत कोरोना मुक्त होगा और इसमें हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित है। साथ ही उन्होंने महानगर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें कि जो लोग अब तक टीका नहीं ले पाए हैं वे टीका ले और किसी प्रकार की परेशानी है तो इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दे और सहयोग कर लोगों को टीका लगवाए ताकि कोरोना को हम देश से भगा कर। वैसे जमशेदपुर बीजेपी महानगर लगातार घर घर जाकर लोगों से कोरोना के टीके के बारे में जानकारी ले रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 21 जून को पूरे देश में सभी लोगों को ये फ्री वैक्सीन जो विश्व में एक ऐतिहासिक कदम भारत में उठा है इसके लिए मैं संपन्न माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो पूरे देश में 18 से 45 वर्ष युवा शक्ति है, इस महाराष्ट्र की शक्ति कोरोना मुक्त इस देश से फ्री कोरोना का आयोजन पूरे देश में चल रहा है। विश्वविद्यालयों के विभागों और अंगीभूत महाविद्यालयों से स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल की अवधि का विस्तार किया गया है। आपको बता दें कि यह अवधि विस्तार 30 सितंबर 2021 तक की गई है। झारखंड में 900 अनुबंध शिक्षक कार्यरत है लेकिन पिछले सरकार के द्वारा बोला गया था कि उन्हें स्थानीय कर दिया जाएगा लेकिन अब तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है जिसका विरोध झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंधन संघ कर रहा है। तो वही झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर संघ के अध्यक्ष निरंजन ने बताया कि कैबिनेट का एक फैसला आया है कि झारखंड में सभी विश्वविद्यालय के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की अवधि को बढ़ा दिया गया है। ये अवधि विस्तार मात्र 6 महीने की है और इस फैसले का संघ द्वारा विरोध किया जा रहा है। हम लोगों ने राजभवन के समक्ष भी अपने जब आमरण अनशन पर थे तो पिछली सरकार बोली थी कि हम लोग आप लोग को अस्थाई करेंगे। यही अस्थाईकरण की मांग को लेकर जब हम लोग थे
तो वर्तमान सरकार जो कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी की जो संयुक्त सरकार है, उन्होंने सीधी तौर पे साफ शब्दों में कही थी कि मेरी सरकार बनती है तो आप लोगों को हम अस्थाई करेंगे और जो रिक्त पद रह जाएंगी वे यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। लेकिन यह नियुक्ति वर्ष है और आप लोगों के बीच से कुछ छुपा नहीं है कि आज तक ये किसी भी तरह का नियुक्ति प्रक्रिया चालू नहीं किया गया। पीड़ा तो बहुत है हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों को ये किया गया था कि घंटे आधार पे कक्षा लेंगे और उसमें मानदेय बनेगा, लेकिन हम लोग सिर्फ घंटे तक हम लोग सीमित नहीं है, हम लोग सारे काम करते हैं। एवोल्यूशन का काम हुआ, शिक्षण के साथ साथ मार्क्स फाइलिंग का काम हुआ और भी जितना भी ऑफिशियल काम हुआ, बहुत सारे विभाग में विभागाध्यक्ष नहीं है तो उनका भी काम करना पड़ता है, तो ये सारे काम है। फिर भी मानदेय का भी ठीक तरीके से भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं। कैबिनेट का निर्णय आया है 9 से 6 महीना विस्तार के लिए, लेकिन विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी बहुत दिनों से है, लगातार हमारे शिक्षक रिटायर भी होते जा रहे हैं और अनुबंध पर जो शिक्षक हैं वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, एग्जामिनेशन ले रहे हैं, सारा एग्जामिनेशन वर्क भी कर रहे हैं वो लोग, तो एक तरह से हम 50% उन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं और ये सरकार का ही निर्णय है। हाँ ठीक है सर। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से माओ राइडर्स ग्रुप के आगामी 24 तारीख को बुलेट की सवारी कर रांची से लद्दाख के लिए वो रवाना होंगे। वहीं रांची से लद्दाख के रास्ते युवा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच जाकर वैक्सीनेशन को लेकर उन्हें जागरूक भी करेंगे। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा रखने का टिप्स भी देंगे। वहीं माओ राइडर्स के युवाओं का एक मानना है कि लद्दाख के सफर में बुलेट से जाने वाले सभी युवा टीका लगवा चुके हैं और ग्रामीणों तक ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन लेने के बाद हम युवा इतनी दूर बाइक पर सवार होकर सफर कर सकते हैं, तो साफ है कि वैक्सीन को लेकर फैले भ्रम बिल्कुल गलत है। मोटो तो हमारा ये है कि हम जितने ज्यादा लोगों को हम अवेयर करा पाए वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीनेशन में क्या फायदे हैं, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बता पाए कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डर रहे हैं, मुकर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उनको हम प्रोत्साहन दें, उनको हम बताए कि हम सब वैक्सीनेटेड है, और अगर हम सब वैक्सीनेटेड नहीं हुए तो इंडिया कभी मास्क फ्री नहीं हो पाए। हम लोग खुद वैक्सीनेटेड है, हम लोग वैक्सीनेशन लिया हुआ, हम लोग का भी फुली वैक्सीनेटेड है, इसलिए हम लोग भी जब ले रहे हैं तो लोगों को ये समझ में आएगा कि जब ये लोग लेके इतनी दूर जा सकते हैं, इतनी कुछ कर सकते हैं, अभी हम लोग पूरा फिट है, फुली फिट, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी मिथ लोगों के दिमाग में नहीं होना चाहिए कि वैक्सीनेशन लेने के बाद हमें कुछ अदर साइड इफेक्ट होंगे, ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन लेने के बाद हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरे लोगों को सुरक्षित कर देते हैं। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने बीते दिन सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात में अंबा प्रसाद ने अपने माता पिता के ऊपर हुए केस के मामले को लेकर सीआईडी से जांच की मांग की है और साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और उनको एक आवेदन के भी सौंपी हूँ और उनसे मांग किया है कि क्योंकि उन्होंने 5 केसेस का इन्वेस्टिगेशन सीआईडी से कराया है और सब में लगभग यही निकला है कि उनको फंसाया गया, तो बाकी केसेस भी आप और हम जानते हैं कि रघुवर दास और बाकी कुछ अधिकारी मिलकर इसको पर्सनली लेके और तबाह करने का कोशिश किए थे हम पूरे परिवार को, तो मेरा यही मांग है कि वो जितने भी केसेस हमारे ऊपर ये 5 साल में हुए हैं उस पर सीआईडी को जांच करने के लिए आदेश दिया जाए और वही ऑफिसर से जांच कराया जाए जिन्होंने उस 2 आईओ को के ऊपर कार्रवाई की है, क्योंकि अधिकारी को बचाने के लिए अगर अभी जो जांच कर रहे थे अगर अधिकारी बदले गए तो हो सकता है कि मैनिपुलेशन की गुंजाइश हो उन अधिकारियों को बचाने के लिए जो इन सब चीजों में सम्मिलित है। झारखंड में इन दिनों जमीन अधिग्रहण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां आदिवासी समाज के लोग
पूंजीपतियों का शिकार हो रहे हैं और पूंजीपतियों द्वारा जबरन उनकी जमीन पर मालिकाना हक भी जता रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए आदिवासी जन परिषद की बैठक का आयोजन हुआ। उस बैठक को संबोधित करते हुए प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि अड़की क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है और आवेदन देने के बावजूद भी पिछले 5 सालों से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समाज के लोगों को जमीन छीना जा रहा है। इन्होंने 5 साल पहले तक जो जरपेश की जमीन है, जो मनी लेंडर एक्ट के तहत आता है, और जरपेश की जमीन स्वतः आपस होने का प्रावधान है, लेकिन लिखा पढ़ी करने के बाद भी आरकी के सीओ अभी तक हरकत में नहीं आ रहे हैं। और देखते हैं कि हम लोग का कमिश्नर के यहाँ भी लिखा पढ़ी किए हैं, खूंटी के उपायुक्त के यहाँ भी लिखा पढ़ी किए हैं, इसके बावजूद भी कोई हरकत में नहीं आ रहा। हम समाज के लोग बहुत आक्रोशित हैं। ये जो जमीन है जरपिश की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आदिवासी का जरपिश की जमीन एकदम निरंतर जमीन है, कोई नहीं छीन सकता है। और आज ये यहाँ का सीओ जो है घुसखोरिया है, दलाल है, इसलिए आप अभी तक ये केस को फैसला नहीं। दुमका में एक बार फिर वीआईपी न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां दुमका के जरमुंडी ब्लॉक स्थित अस्वारी गांव के पास एक जल मीनार करीब 2.5 साल से खराब पड़ा था, जिसे लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो वीआईपी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद वीआईपी न्यूज के संवाददाता सुतिब्रो गोस्वामी के द्वारा इसे ट्वीट भी किया गया, जिस पर झारखंड के सरकार मंत्री चंपई सोरेन ने संज्ञान लेते हुए दुमका डीसी को ग्रामीणों की मदद करने का निर्देश दिया है। झारखंड के दुमका जिला स्थित प्रसिद्ध सुखजोरा नाग पूजा का आरंभ हो गया है, इसे स्थानीय भाषा में पंडार का आरंभ कहा जाता है। आपको बता दें कि जब देवता और दानव ने समुद्र मंथन किया था तो बासुकी नाग ही रज्जू यानी रस्सी बने थे। समुद्र मंथन के पश्चात बासुकी नाग घायल हो गए थे, जिसके बाद नागराज बासुकी ने बासुकीनाथ धाम से 9 किलोमीटर की दूरी पर बासुकीनाथ मोनीहाट मुख्य मार्ग पर स्थित सुखजोरा में विश्राम किया था। तभी से यह हर साल 16 दिन का नागराज बासुकी का विशेष पूजन किया जाता है। बता दें कि ये पूजा 22 जून से 7 जुलाई पूरे 16 दिनों तक की जाती है। दुमका के गोपी कंदर ब्लॉक के खरोनी बाजार पंचायत के अंतर्गत आदिवासी और आदिम जाति बाहुल्य गांव के लोगों के बीच मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। गांव में इतना दिन तक अभी तक नहीं ढलाई और पीसीसी हमको देना चाहिए, उतना दिन तो समाज सेवा हम कर रहे हैं और ग्राम सभा में हम सब समतल किए हैं, लेकिन फिर भी नहीं दे पा रहा है। क्या अभी आप लोगों को इतना दिन वोट दिया जाता है, फिर भी अभी वोट देने का खोज रहा है, फिर भी नहीं दिया पा रहा है। गांव में पीसीसी का ढलाई सब टोला में नहीं हुआ है, कहीं कहीं छिटपुट हुआ है और बाकी जगह में बोल्डर निकला हुआ है। हम लोग को आने जाने में काफी कठिनाई हो रही है। आने जाने के क्रम में कभी कभी तो दुर्घटना भी हुई है, और जब गांव का कोई व्यक्ति को बीमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटल तक मेन रोड तक ले जाने में बहुत दिक्कत है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक प्रखर राष्ट्रवादी महान शिक्षाविद चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी दी गई। इस मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुखर्जी का उसका नारा था जो एक देश में दो झंडा नहीं उड़ेगा, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, इसका नारा था।
इस नारे पे कश्मीर में गए थे, कश्मीर में जाके उसको गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार कर लेने के बाद 22 दिन जेल में रहा और आज ही के दिन उसका देहांत हुआ था। इसीलिए हम लोगों को बहुत दुख होता है। वो देश के 370 धारा हटाने के लिए काम करने के लिए गए और उसका निधन हुआ। वैश्विक महामारी कोविड-19 से जंग में जिला प्रशासन के सहयोग के लिए ICICI बैंक आगे आई है, जहां बैंक की CSR संस्था ICICI फाउंडेशन ने जिला प्रशासन को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। इस अवसर पर उपायुक्त छवि रंजन ने ICICI बैंक के CSR के तहत किए गए इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इससे रांची जिला प्रशासन को कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा कहा कि बैंक द्वारा CSR के तहत दिए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग सदर अस्पताल रांची में किया जाएगा। गिरिडीह जिले में एक विवाहिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये घटना जिले के गावा थाना क्षेत्र अंतर्गत पीरा धरधरवा की है, जहां विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में उसका शव बरामद किया गया है। इस घटना के संबंध में मृतका के मायके वालों ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक घरेलू विवाद को लेकर हुई झड़प में महिला की मौत हुई है, तो वही इस घटना के बाद युवती का पति फरार चल रहा है। 2021 की रात्रि में ग्राम पीड़ा स्थित धरधरवा में पति पत्नी के विवाद को लेकर के पति कृष्णा चौधरी अपनी पत्नी मुन्नी देवी को मारपीट किया। मारपीट के बाद उसकी मृत्यु हो गई है। प्रारंभिक जांच में ये सामने आ रही है कि मारपीट करने से इसकी मृत्यु हो गई है। अभी साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पाकुड़ के हिरणपुर में एक ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते धू कर ट्रैक्टर जलकर राख हो गया। घटना हिरणपुर थाना क्षेत्र के कस्तोरी निकट पलनिया पथ की है। हालांकि इस आग लगी घटना से किसी भी तरह के हताहत की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं घटना स्थल पर पहुंची स्थानीय पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी है। गढ़वा में कोरोना की दो लहर देखने के बाद अब जिला और स्वास्थ्य विभाग संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर चुका है। पहली लहर में बुजुर्ग तो दूसरी लहर में युवाओं के संक्रमित होने के बाद आशंकाओं के बीच अब तीसरी लहर बच्चों को ध्यान में रखकर ये तैयारी की जा रही है। गढ़वा सदर अस्पताल के पुरानी बिल्डिंग के कोविड वार्ड के दूसरे वार्ड को पूरी तरह से बच्चों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए सीलिंग को खगोलीय पेंट को दर्शाया गया है। इसके अलावा बच्चों के पढ़ने के लिए गिनती के वर्ड को भी दर्शाया गया है। टीवी पर दिखने वाले कार्टून नेटवर्क के सभी कैरेक्टर, जिसमें छोटा भीम, मोटू पतलू, कृष्णा समेत जंगलों को की पेंटिंग को भी दर्शाया गया है। बताते चले कि सभी बेडों को ऑक्सीजन युक्त भी बनाया गया है। और उसी ढंग से इसके लिए ब्रांडिंग की गई है। पाइपलाइन का काम भी हुआ है, बेड वगैरह लग गए हैं, टेंडर वगैरह भी हो गया है। कुछ टॉयलेट का काम अभी इसमें बाकी है और इसको फिर सबके नशिंग वगैरह करके हम लोग उसको डिक्लेयर कर देंगे पिक हुआ है। क्यों पड़े चलिए अभी क्यों ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ठंड में बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे, तो इसी को ध्यान में रखते हैं और सरकार समय समय पर इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर रही है कि हम लोग ड्यूटी है कि हम लोग इसको तैयार करते हैं।
बीजेपी नेता अशोक उपाध्याय ने गिरिडीह के गावा स्थित बीजेपी कार्यालय में दर्जनों जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर चिन्हित कर उनके बीच राहत सामग्री का वितरण कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ता इस कोरोना काल में हर गरीब के साथ खड़े हैं। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव, मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद समेत कई लोग मौजूद रहे। इस कोरोना महामारी में गरीबों के बीच में आज आटा का वितरण किया गया। इसमें हमारे जिला के नेता श्री अशोक उपाध्याय जी आए और हम लोग से जितना बन सका उतने गरीब लोगों को आटा दिए और आने वाले समय में और सभी को जो भी कुछ होगा गरीब के लिए वो तो भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था करेगी। आटा हो, चावल हो, गेहूँ हो, हम लोग अपने तरफ से फिर चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।